सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है ना? यस आ रही है। तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी 0 डिग्री केल्विन से हाई करेंगे और उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एनर्जी गैप के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ जनरेट होंगे, मीनिंग एन इज इक्वल टू बी। और उसके बाद हमने इन दोनों को इक्वल टू किया था एक नया कॉन्स्टेंट एन आई, ठीक है। इस एन आई को हमने बोला था कि ये क्या है, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन है। तो हम बेसिकली अभी जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जिसको हमने एनआई नाम दिया है, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा होगा कितना और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो फर्स्ट थिंग तो हमें याद रखनी कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन और होल के उस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं जब सेमीकंडक्टर प्योर है, कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी नहीं है और किसी जितने भी इलेक्ट्रॉन सॉरी जितने भी होल जनरेट हो रहे हैं, जितने भी होल का जनरेशन हो रहा है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से हो रहा है। मीनिंग जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एनर्जी इंक्रीमेंट कर रहा है उस टाइम पर ही होल जनरेट हो रहे हैं, मीनिंग एक्सेस में अपने आप से कहीं पे भी होल नहीं जनरेट हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इन जब भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन कर रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन में, मीनिंग उसके पास इतनी एनर्जी आ जा रही है कि वो कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है, तो जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा उस टाइम अपने पीछे एक होल छोड़ के जाएगा, ठीक। ये दोनों बातों को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा जब हम एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई होल जनरेट नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होती है और उसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक है। और जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप के केस में एक एक्स्ट्रा होल अवेलेबल होता है, ठीक है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो अपने पीछे ये होल छोड़ के नहीं जाएगा। सिमिलरली जो ये वाला होल है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से नहीं जनरेट हुआ है, ठीक। तो हमें क्या याद रखना है कि जो तुम्हारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन और होल का वो कंसंट्रेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल है और इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन होने में जो होल जनरेट हो रहा है एंड और होल के जनरेशन होल का जो जनरेशन है वो केवल इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन होने से ही हो रहा है, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इसकी डेफिनेशन तुमसे कहीं कोई नहीं पूछेगा कि हाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफाइन करो, बट हाँ तुम्हें इन जनरल ये बातें समझनी है कि हाँ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, मीनिंग जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन और होल का उसको हमने क्या बोल दिया, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अच्छा अब ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि n इज इक्वल टू एन आई है, इसी तरह से p इज इक्वल टू भी एन आई है, ठीक। यहाँ पे हम एन आई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। सिमिलरली एन आई इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एन वी ई टू द पावर माइनस EC minus EF upon KT। In general ये दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है। Sorry, EF minus EV। तो ये दोनों चीजें हम in general लिख सकते हैं। अब इसको हमने equation वन दिया है और इसको हमने बोला equation टू, right? हमने in general क्या किया है, N और P दोनों की जो हमने कंसंट्रेशन का इक्वेशन निकाला था वो कंसंट्रेशन का इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दिया है एन आई इज इक्वल टू एन और एन आई इज इक्वल टू पी में और उन दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मान लिया। देन अब हम क्या करेंगे, वन इक्वेशन वन
और इक्वेशन टू को, इक्वेशन वन एंड टू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन वन और टू को, जब इस साइड में इसको ध्यान नहीं देंगे, अब हम एन और पी को भूल जाएंगे, मीनिंग हमारी जो इक्वेशन वन होगी वो बेसिकली क्या होगी, Ni is equal to Nc e to the power minus Ec minus Ef upon kt, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, Ni is equal to this, ठीक है, और ये बेसिकली इक्वल किसके है, n के, और ये किसके इक्वल है, p के, तो हमें ये पार्ट लेना है, ठीक है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो जब मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तब क्या आएगा, Ni square is equal to Nc Nv e to the power minus Ec minus Ef upon kt multiply by e to the power minus Ef minus Ev upon kt, right? इसको further solve करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Nc Nv e to the power minus whole में बाहर लिया Ec minus Ef plus Ef माइनस ई वी अपॉन के टी, ठीक, ये ई वी कैंसिल, तो ये क्या आ गया, एन सी एन वी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी, ये क्या आ गया, एन आई स्क्वायर, ये बात इसमें यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नो सर। यहां हमें क्या दिख रहा है कि जो एनआई है, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन है एनआई, वो बेसिकली एनआई जो है ये बेसिकली फर्मी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फर्मी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक, डिपेंड किस पे कर रहा है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, नेक्स्ट और किस पे डिपेंड कर रहा है, जो ये NC और NV है, ठीक है, NC और NV है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल का जो इफेक्टिव मास है, इलेक्ट्रॉन का और होल का जो इफेक्टिव मास है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है, बेसिक रीजन कि ये एनआई जो है वो टेम्परेचर पे के डिपेंड कर रहा है, ठीक, इफेक्टिव मास को अभी हम कांस्टेंट मान के ही चल रहे हैं फिर उसी तरीके से, ठीक है, बट अभी हमें जब भी कहीं पे भी हमें क्वेश्चन आएगा कि हाँ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इफेक्टिव मास को हम एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, फर्मी लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम एन और पी को देखा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन देखा था, उसमें हमने देखा कि ये दोनों ही फर्मी लेवल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड हो रहे थे, फर्मी लेवल पे भी डिपेंड थे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड थे, बट ये जो एनआई है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक, तो यहां से हमें जो एक पॉइंट याद रखना है वो ये कि ऐसे कोई भी, जब हम किसी भी पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वो पैरामीटर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर कोई पैरामीटर फर्मी लेवल से इंडिपेंडेंट है, अगर कोई पैरामीटर फर्मी लेवल से इंडिपेंडेंट है तो उसको हम सेमीकंडक्टर में एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, ये याद रखना है कि कोई भी अगर पैरामीटर तुम्हारा फर्मी लेवल से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मीनिंग किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के केस में जो ये एनआई होगा या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होगा, ये फिक्स होगा, एक टाइप ऑफ कांस्टेंट होगा जो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसे तुम्हें आई गेस कई सारे उसके होंगे, जैसे सिलिकॉन का 1.5 × 10⁻¹⁰ पर सेंटीमीटर क्यूब,
ये बेसिकली इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का एट 300 डिग्री केल्विन। तो हम जब बात कर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमें याद रखना है कि जो तुम्हारा इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन है वो केवल डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और क्योंकि वो फर्मी लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसको हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की जब बात कर रहे होगे तो एनआई हर पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर एनआई एक फिक्स वैल्यू होगी जो कि केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। और सिंपल सी बात है कि एनआई की वैल्यू डिपेंडेंट है केवल जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के जनरेशन पे ही डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में तभी जनरेट होंगे जब उन्हें एक थर्मल एनर्जी या ऑप्टिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई अगर अभी अटेंडेंस yes, किया है तो अटेंडेंस मार्क कर सकता है। और जो लोग अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं वो चाहे तो अपनी मीटिंग एंड करके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ओके सर। Thank you.